थोड़ी सी टिप्स देते चलूं कि ये बेस्ट एक्सरसाइज या बेस्ट मूवमेंट एक्टिविटी बोलेंगे ये है उन लोगों के लिए कि जो वेट लॉस जर्नी चालू है ना, तो उनको तो डेफिनेटली जाना ही चाहिए मॉर्निंग वॉक के लिए। अंदर लेंगे तो देखो बहुत नजदीक हो जा रहा है। जाएगा जाएगा आई मीन चू क्या है आई मीन थोड़ा सा जाके देख लेते क्या है वहां। लेकिन बहुत अच्छा लगा। नहीं बारिश। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं वॉकिंग करने के लिए, तो चलिए आप लोग भी बने रहिए। तो आज हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं शिमला पार्क एमएम वैली। जो मुंबरा में रहते हैं उनको पता ही होगा। और यहाँ पे देखिए आपके भाई का मुंह सुबह सुबह फूले हुए बैगन के जैसा है। तो चलिए यहाँ से हम लोग रिक्शा पकड़ लेंगे। और यहाँ पे मॉर्निंग वॉक जिनका वेट लॉस जर्नी चालू है ना, तो उनको तो डेफिनेटली जाना ही चाहिए मॉर्निंग वॉक के लिए, डेली जाना चाहिए। और बहुत अच्छा लग रहा था आज सुबह सुबह निकल के यहाँ पर। यहाँ पे जब हम आगे पहुँचे अंदर एमएम वैली में, तो यहाँ पे एक बड़ी सी स्कूल और कॉलेज है स्टेडियम के सामने। रेडेंट स्कूल का नाम है, हाई स्कूल है और बहुत अच्छी स्कूल है। और यहाँ पे देखिए हम जाएंगे गेट के अंदर। काफ़ी दिन के बाद हम निकले, बहुत अच्छा लग रहा था ग्रीनरीज देख के। माय गॉड, मैं आप लोग को बता नहीं सकती कि मुझे कितना पॉजिटिव फील हुआ, कितना अच्छा लगा मुझे मॉर्निंग वॉक करके सुबह सुबह ये हरियाली ग्रीनरीज देख के। बहुत अच्छा लगता है, पूरा माइंड का जो टेंशन होता है ना, स्ट्रेस होता है, वो आउट हो जाता है। तो फ्रेंड्स जब हम आगे पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पे वार्म अप इक्विपमेंट काफ़ी यहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छी खासी थोड़ी बहुत आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ का टाइमिंग है 6 से 10 का। और यामिन ने आते बरोबर डायरेक्ट हमला कर दिया पुलअप पे। तो देखिए ये यहाँ पे पुलअप मार रहे हैं और मैं मना कर रही थी इनको कि मत करो फिलहाल अभी, क्योंकि इनके हाथ में ना कुछ साल पहले इनके हाथ का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद में इनके हाथ में रॉड है, जिसकी वजह से मैं इनको मना कर रही थी। तुम्हारे को कौन सी ग्रिप्स सही लग रही हो? मारो 1-5 मारो यामिन चू। जाएगा जाएगा यामिन चू। 3 मारो, 4 एक ही बाकी, मारो ये पहला, एक और मारो, वेरी गुड। ये कैसा लग रहा है? 5 में तो इतना कुछ फील नहीं हुआ होगा। नहीं वो देखो गाइस, यामिन चाहते हैं कि वो ये इस पे चढ़ना। अरे बाप रे, मैं मना कर रही तो भी चढ़ जा रहे, मत करो, हीरो बन रहे। पहले थोड़ा वर्कआउट शुरू करो, उसके बाद में, अभी नहीं करेंगे हम लोग यामिन, पहले आप थोड़ा वर्कआउट शुरू करोगे ना, उसके बाद में करना ये सब। डेली थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करेंगे तो फिर ये कैसा ईजी है करना, थोड़े थोड़े से काउंटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी करके देखते। थोड़ा चला हो इस टाइप की इलेक्ट्रिक मशीन आपने देखा होगा कोई भी हर जिम में, जिसे कहते हैं क्रॉसफिट इलेक्ट्रिकल जिसे कहते हैं। तो ये वाली मशीन जो है काफ़ी अच्छा है, ये कार्डियो में आती है ये मशीन। तो अगर आप जिम जाते हो तो आप ये डेली करा करिए 10 मिनट, या तो फिर आप इस तरीके से बाहर आके इस चीज़ का मतलब फ़ायदा उठा सकते हो जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर ये मशीन जो देखा जाए तो ये ख़राब थी, इसमें ना मतलब इसे जंग लग गया था बारिश के पानी की वजह से। तो ये थोड़ा बहुत मैंने किया। क्या है यामिन, ये दो इधर देखो ज़रा। यामिन मुझे बोल रहे थे कि ये जो है रोलर इस तरीके का, ये पीठ खुजाने का है। इतनी हंसी आ रही थी, बाद में पता चला कि अरे ये तो शोल्डर के लिए है। अभी करके अच्छा, हाथ के लिए शोल्डर अच्छा है ना तुम्हारे लिए, अच्छा है ना, शोल्डर की एक्सरसाइज हो रही होगी। लाओ मैं भी करूँ जरा, अच्छा लगा ना, फील हो रहा है ना शोल्डर पे। थोड़ा टाइम अच्छा घुमाते रहेंगे तो फिर शोल्डर पे बराबर मालूम पड़ता है।
साथ में यहाँ पे मैं थोड़ी सी टिप्स देते चलूँ कि ये बेस्ट एक्सरसाइज या बेस्ट मूवमेंट एक्टिविटी बोलेंगे ये है उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को शोल्डर में स्टिफनेस रहती है ज़्यादा लैपटॉप पे काम करते वक्त, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते वक्त, जिनको नेक इश्यूज़ है, जिनको सर्वाइकल का इश्यूज़ है, जिनके जो नेक की तरफ के जॉइंट्स जो स्टिफ है काफ़ी, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस एक्टिविटी से। तो आप लोग स्टार्टिंग में बस 3 मिनट से स्टार्ट करिएगा, अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है उसी टाइम तो आप 5 मिनट भी रख सकते हो, तो स्टार्टिंग में 5 मिनट से ही रखिए, उसके बाद आप धीरे धीरे चाहिए तो आप बाद में बढ़ा सकते हो उसकी काउंटिंग मिनट्स। तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए। थोड़ा देर तक क्या करते रहना, कम से कम नहीं बोलते 15 मिनट तो करेगा इंसान, तो उसको करेंगे तो पूरा शोल्डर पकड़ लेगा। अभी स्टार्टिंग में 5 मिनट 4 मिनट इधर आइए गाइस। वॉकिंग करके बहुत अच्छा लग रहा है और फाइनली आज मौका मिल गया वॉकिंग करने का। तो यहाँ पे सुबह की वॉकिंग आप लोग भी करा करिए, रोज करेंगे तो और अच्छा है, कभी कभार करेंगे तो सेहत के लिए अच्छा है। तो रोज़ कैसे करेंगे, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना साथ में वॉकिंग के लिए, किसी को पकड़ लेने का ऐसे चलो बोल के, नींद ख़राब करवाने का और बोलने का चलो जाते वॉकिंग करने। एमएम वैली क्या है ये? एमएम वैली का स्टेडियम है ये, स्टेडियम जहाँ अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं। इंशाल्लाह वापस से हम लोग कभी कभार यहाँ पे आया करेंगे, अभी तो हम लोग ये सोच के नहीं आए थे कि कुछ यहाँ पे एक्टिविटी रहेगी। मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। नहीं बारिश आ रही है वो फिर कैसा, फोन पे गिरेगा तो फोन खराब हो जाएगा। फोन मेरा वैसे भी तुम्हारी छतरी के बाहर है, तो तुम अंदर लो ना हाथ थोड़ा सा ऐसा। अंदर लेंगे तो देखो बहुत नजदीक हो जा रहा है। हाँ तो रहने दो, थोड़ा दूर करना पड़ रहा है ना। अच्छा तो कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पे आके? है अच्छा है, साइलेंस है एकदम, सुकून जैसा है। ऐसे रखो, तुम्हारे चेहरे पे भी काला आ रहा है, ऐसे रखो, साइलेंस है। अच्छा है, देखो पीछे साइड भी पूरा दिख रहा है, वहाँ एक्सरसाइज का है पूरा, सबको वार्म अप करने के लिए बहुत कुछ है जो अभी हम लोग ने किए। हाँ अभी जस्ट जो किए, जो अभी हम लोग ने वार्म अप किए नहीं इसके पीछे, वार्म अप ही हुआ ना, और तो एक्सरसाइज थोड़ी करने आते हैं। एक्सरसाइज भी थी वहाँ पर, एक्सरसाइज जिम में जाके कर रहे, ये खाली वार्म अप सुबह आता है, थोड़ा बहुत वार्म अप के लिए है और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जैसा, मतलब कुछ वो रॉड जैसा था वहाँ पर, डंबल्स नहीं रॉड था, चेस्ट मारने के लिए बेंच था वहाँ पर। इधर 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 ये मेरी उंगली यहाँ यहाँ जहाँ देख कर आए अभी, ये भी है ग्राउंड, ये भी है, लेकिन ये आज हमारा माइक थोड़ा काम नहीं कर रहा है, इसके लिए वॉइस ऐसी आ रही है, तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो बस आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से लेके वहाँ तक, एकदम सन्नाटा सुकून। एक्चुअली कितने बज रहे थे हम लोग निकले? हम लोग 7:30 बजे 7 बजे 7:30 बजे 7:30 बजे हाँ हम लोग वो टाइम पे निकले, और शायद आए नहीं पब्लिक, क्योंकि हम लोग को कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग पहली बार आए यहाँ पर अंदर। नहीं ना कुछ भी एंडी है ना, क्या बोल रहे हो? नीचे उधर नहीं ना, एंडी है ना वो, पता नहीं अभी पहली बार आया तो कुछ आइडिया नहीं है। चलो फिर भी थोड़ा आए तो उत्तर जाने में क्या दिक्कत है, थोड़ा सा जाके देख लेते क्या है वहाँ। कम ऑन, वहाँ का रास्ता हम लोग बोल रहे थे आगे जाके देखने वाले अभी, तो चलो चलते हैं। यामिन ये क्या है? क्या पत्ते? इसको पीस के बालों में लगाने से बाल मजबूत होते। चलो सही में इसको कौन बालों में लगाता है? हाँ तुम्हारे बालों में लगा रहा, मैं उसको पीस के तुम्हारे बालों में लगाऊंगी आपको। देखिए एंड हो गया है, पुलिस की गाड़ी है, मारेंगे वो लोग, नो एंट्री बोले, फिर बाद में दोबारा आने नहीं देंगे गाइस। तो अभी चलते बाहर थोड़ा। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ बच्चे लोग खेल रहे हैं, यहाँ पे बच्चे लोग के लिए भी खेलने के लिए बहुत अच्छा है, हम लोग तो पहली बार आए, हम लोग नीचे देखो फिर सब देख, देख रहे हैं। हाँ नीचे भी देख रही हूँ, यहाँ पे बहुत कुछ है बच्चे लोग के लिए भी। हाँ अरे हिलाऊं, बच्चे लोग के लिए बहुत अच्छा है खेलने के लिए, एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे टाइमिंग है, अभी हम लोग ने वो अंकल को पूछे तो उन्होंने बताया कि 6 से 10 का टाइमिंग है यहाँ पर।
अच्छा टाइमिंग है ना 6 से 10 मॉर्निंग उठो और आ जाओ डेली। वो तो बारिश है बोल के लोग आए नहीं करके बोले, मैं बोला ना इधर आते होंगे लोग, बारिश की वजह से शायद नहीं आए, वरना बहुत अच्छा है एक्टिविटी के लिए। यामिन को यहीं पे छोड़ के जाते हैं, चलो फ्रेंड्स यामिन को यहीं छोड़ देते हैं, तुम यहीं रहो। यामिन और मेरी कंपटीशन चल रही है, कौन आगे बढ़ेगा, पीछे का वो लाल दिखेगा तो कौन जीतेगा। मैं ही जीतूंगी, मैं क्योंकि मैं आगे हूँ। देखो आप लोग, तुम हार जाओगे यामिन। अरे अभी से हार मान लो यामिन। नहीं चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। हम लोग ने मी टाइम लिया, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है, स्ट्रेस फ्री फील हो रहा है। अब हम जा रहे हैं घर। और ये देखिए, ये जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था रेडियंट इंग्लिश हाई स्कूल, ये सामने से कुछ इस तरीके से दिखती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।